दोस्तों, क्या आपके फेसबुक स्टोरी में सेव का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है? आप स्टोरी डाउनलोड करने के लिए सेव के ऑप्शन को ढूंढते हैं थ्री डॉट पे क्लिक करके, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो फिर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, मैं वो ऑप्शन आपको इनेबल करके दिखाऊंगा। दोस्तों, कई बार जो है आपको ग्लिच के कारण वो प्रॉब्लम आता है, उसके बाद दोस्तों अपडेट के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाता है, और जो है दोस्तों सबसे बड़ा कारण आता है सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण। तो चलिए मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाता हूँ, आपको कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। पहले मैं आपको ग्लिच ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। आपको सेटिंग्स ऐप को ढूंढना है अपने फ़ोन में। मैं यहाँ पे जो है सेटिंग ऐप को ढूंढता हूँ, और आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग ऐप को ओपन कर लिया हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन में। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरा जो है ऐप मैनेजमेंट ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको दिख जाएगा एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल ऐप खुल के आ जाएगा, पूरा ऐप लिस्ट खुलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे एप्लीकेशन होता है। थोड़ा देर में लोडिंग के बाद यहाँ पे आपको टोटल ऐप खुल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब जो है दोस्तों यहाँ पे आपको फेसबुक को ढूंढना है। अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सर्च आइकन पे जाकर और फेसबुक को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही दिख जाएगा। अब दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से देखना है। आपको फोर से स्टॉप करना है, पहले फोर से स्टॉप को क्लिक करके फिर से स्टॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज यूजेज में जाना है। स्टोरेज यूजेज में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करके और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब दोस्तों बैक आ जाना है, अब जो भी ग्लिच होगा फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक का छोटा मोटा, वो आपका ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, और उसके बाद दोस्तों आपको सर्च आइकन पे जाना है। सर्च आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक। यहाँ पे फेसबुक को सर्च कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको इसमें देखना है कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। दोस्तों कई बार जो है अपडेट नहीं करते हैं तो ये पुराना वर्जन हो जाने के कारण वो सब प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको यहाँ पे अपडेट करके रखना है हमेशा। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ, एंड उसके बाद दोस्तों ये जो है एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे जो है बैक आने के बाद अब आपको जो है मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है। दोस्तों स्टोरी में सेव का ऑप्शन ना सुने शो होने के कारण सबसे बड़ा कारण है वो सेटिंग। तो चलिए मैं उस सेटिंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको आना है यहाँ पे थ्री लाइन के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको प्रोफाइल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका प्रोफेशनल मोड है या नहीं है। अगर आपका दोस्तों प्रोफेशनल मोड होगा तो वो आपको प्रॉब्लम दिखाएगा। आपको यहाँ पे सी डैशबोर्ड का ऑप्शन शो करेगा, फॉलोअर्स का ऑप्शन शो करेगा, तो आप जान जाइएगा कि आपका जो है प्रोफेशनल मोड अकाउंट हो चुका है। तो आपको जो है प्रोफेशनल मोड ऑन करके नहीं रखना है। अगर ऑन करके रखेंगे तो आपका स्टोरी में सेव का ऑप्शन शो नहीं करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्टोरी सेव का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, सेव का ऑप्शन यहीं पे शो करता है लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको मैं आप यहाँ पे जो है प्रोफेशनल मोड ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, एंड उसके बाद दोस्तों इस जो है टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसे दोस्तों यहाँ पे ऑफ कर देना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके। अब दोस्तों ये जो है मेरा जो है फेसबुक अपडेट हो रहा है, जिसके कारण ये जो है स्टॉप हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों अपडेट होने के कारण वो कट गया था। तो अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद दोस्तों ये जो है प्रोफेशनल मोड ऑफ हो जाएगा। अब जो है ये पर्सनल हो चुका है ये अकाउंट, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों अब दिखाता हूँ कि वो जो है अब देख पाएंगे कि ये जो है प्रोफेशनल मोड हट चुका है, और अब इस स्टोरी को मैं डाउनलोड करके देखता हूँ।
जाके देखता हूँ कि क्या इसमें सेफ का ऑप्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सेव वीडियो का ऑप्शन शो कर रहा है। अब जो है दोस्तों इस स्टोरी को आप सेव कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया हूँ। अब देखता हूँ कि ये जो है स्टोरी में आज शो हुआ है, सेव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन में जाता हूँ और आप दोस्तों अब यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है स्टोरी जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आपको म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे जो है फ़ोन में माइक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं लगा के। अगर ये प्रॉब्लम आया तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।